आज का एपिसोड अनुज द्वारा घोषणा के साथ शुरू होता है कि अनुपमा को समारोह के लिए देर हो गई थी, जिसकी वजह से अनु को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। जैसा कि लीला कहती है कि एक बेवकूफ प्रतियोगिता हारना कोई बड़ी बात नहीं है, अनुज चुप नहीं रहते हैं और कहते हैं कि प्रतियोगिता उनकी बेटी के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं थी। अनुज का कहना है कि अनु ने आज अपने बचपन का एक हिस्सा खो दिया, क्योंकि माता पिता होने के बावजूद उन्होंने अकेलेपन का अनुभव किया। लीला ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि वह कहती है कि अनु को इस तरह से प्रबंधन करने की आदत है, लेकिन अनुपमा के बिना परी को शांत नहीं किया जा सकता है। लीला की बात सुनकर अनुज भड़क जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह भविष्य में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अनुज अनुपमा के साथ उसके पीछे चला जाता है, जबकि लीला मायूस दिखती है। लीला ने वनराज को फोन करने और उसे अनुज के व्यवहार के बारे में बताने का फैसला किया, जबकि अनुज अनुपमा को उस रात के लिए अलग सोने के लिए कहता है। अनु अपने माता पिता को अलग कमरे में रहते हुए देखती है और सोचती है कि वह उनके झगड़े का कारण है। वनराज उदास स्वर में लीला की शिकायत सुनता है और अनुज पर गुस्सा हो जाता है। क्या अनुपमा और अनुज पहले जैसे हो जाएंगे? वनराज अपनी वापसी पर स्थिति को कैसे खराब करने वाला है?